नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चीन और ताइवान में आपस में बनती नहीं है और इसका कारण है कि चीन ताइवान को अपना एक राज्य मानता है और इसलिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। तो इसके जवाब में ताइवान चीन से दो दो हाथ करता रहता है और किसी भी सूरत में चीन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर चीन और ताइवान में लड़ाई होती रहती है। कभी चीन धमकाता है तो कभी ताइवान धमकाता रहता है, लेकिन इस बार किसी दूसरी लड़ाई को लेकर चीन और ताइवान आमने सामने हैं। जी हाँ, इस बार एक फल को लेकर चीन और ताइवान आपस में भिड़ गए हैं। बात दरअसल ये है कि चीन ने खतरनाक कीटाणु का हवाला देते हुए ताइवान से अनानास के आयात पर रोक लगा दी है। बस इसी बात से ताइवान के नेता गुस्से में हैं और इसी को लेकर चीन पर ताइवानी नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली है और इन नेताओं ने कहा है कि इस प्रतिबंध का बग से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये उनके देश पर चीन के दबाव बनाने की एक चाल है। अनानास पर चीन के प्रतिबंध के जवाब में ताइवानी नेताओं ने विदेश में इसके नए ग्राहक भी ढूंढ लिए हैं और अपने नागरिकों से कहा है कि वो अनानास की अधिक से अधिक खपत करें। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंग ते ने अपने ट्वीट में लिखा कि ताइवानी अनानास फाइटर जेट से भी मजबूत है, भू राजनीतिक दबाव इसके स्वाद को खराब नहीं कर सकता। ताइवान की काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार देश में हर साल 420,000 टन अनानास पैदा होता है, जिसमें से 10% के आसपास का ही निर्यात होता है। इसका ज्यादातर हिस्सा चीन भेजा गया था। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने सोशल मीडिया पर पाइनएप्पल चैलेंज शुरू कर दिया है। वहीं विदेश मंत्री जोसेफ वू ने अपने मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट से हैशटैग ताइवान का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में मौजूद अपने समर्थकों से ताइवान और हैशटैग फ्रीडम पाइनएप्पल मुहिम के पक्ष में खड़े होने का आह्वान किया है। इसके बाद चीन को जलाने के लिए अमेरिका और कनाडा के दूतावासों ने इस मुहिम में भागीदारी की। ताइवान के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने अपने फेसबुक पेज पर इसे लेकर कई तस्वीरें पोस्ट की। एक फोटो में संस्थान के निदेशक ब्रेंट क्रिस्टेन सेन अपने डेस्क पर तीन अनानासों के साथ देखे जा सकते हैं। वहीं कनाडा के व्यापार कार्यालय की ओर से पोस्ट किए गए एक फोटो में राजधानी ताइपेई में उसके स्टाफ पाइनएप्पल पिज्जा के साथ देखे गए। ताइवानी राष्ट्रपति साई ने लिखा, जापानी उपभोक्ता सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, वहां से हमें 5,000 टन अनानास की खरीद का ऑर्डर मिला है। ट्विटर पर मौजूद कई जापानी लोगों ने भी ताइवान की इस मुहिम का समर्थन किया है। एक यूजर ने लिखा, इस मुहिम का यह असर हुआ कि कुछ दिनों के भीतर चीन भेजे जाने वाले अनानास के बदले पर्याप्त ऑर्डर ताइवान को मिल चुके हैं। जानकारी देते चलें कि दक्षिण ताइवान में ऑर्गेनिक अनानास के चर्चित उत्पादक यांग युफान, जिन्हें पाइनएप्पल प्रिंस कहा जाता है, दबाव बढ़ता देख चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ताइवान से अनानास का आयात इसलिए रोका गया क्योंकि उसके कस्टम अधिकारियों ने ताइवानी फलों के जरिए आ रहे कीटों का पता बार बार लगाया था। जानकारी की माने तो ताइवान पर प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के किसानों को ध्यान में रखकर लगाया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार के राजनीतिक कदमों से चीन काफी नाराज है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक फल को लेकर दो जानी दुश्मन दोबारा से टकरा गए हैं। अब देखना होगा कि आगे इसका परिणाम क्या निकलता है।